हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। ये अपराजिता है, जिसको शंखपुष्पी और विष्णुकांता भी कहते हैं। तो सीड से ग्रो करना हमने आपको इसको बता रखा है, लेकिन आज हम आपको अपराजिता को कटिंग से ग्रो करना बताएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पास सीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर उनके घर के आसपास कहीं अपराजिता का पौधा लगा हुआ हो तो आप बहुत छोटी से छोटी कटिंग लाकर इसको ग्रो कर सकते हैं। चाहे आप एज अ क्रीपर बनाइए, इसको बेल की तरह चलाइए, या आप इसको प्लांट की तरह बनाइए, तो ये आपके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। और देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। और अगर आपको अपने प्लांट की लाइफ लंबे समय तक चाहिए तो इस पर फलियां ना बनने दें, और जो फूल सूखते रहें उनको रिमूव करते रहें, हटाते रहें, नहीं तो फिर उसमें फलियां बन जाती हैं, फिर प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करता है। तो हमने अपने प्लांट पर एक या दो फली बनाते हैं, उससे क्या होता है सीड भी बन जाते हैं और ज़्यादा फलियां भी नहीं बनती, क्योंकि हम केवल एक या दो फली ही बनाते हैं सीड के लिए, और हमारा प्लांट बहुत दिनों तक फ्लावरिंग करता रहता है। क्योंकि जब हम फली नहीं बनाते हैं तो प्लांट की एनर्जी स्टोर रहती है प्लांट में ही, और वो लगातार फ्लावरिंग करता रहता है, और फरवरी से लेकर अक्टूबर तक ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इस तरह से जो फूल सूखते जाएं आप उनको हटाते जाएं। और इसको कटिंग से ग्रो करना बहुत ईजी है, तो आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लेकर आ सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं पर ये पौधा लगा हुआ होता है तो आपको इसकी किस तरह से कटिंग लेनी है आज हम आपको बताएंगे, और इसको ज़रूर ग्रो कीजिए। बहुत ही सुंदर फूल देने वाला ये पौधा है। तो देखिए इस पर न्यू फ्लावर बड्स भी आ रही हैं, और अगर आप पुराने फूलों को तोड़ते रहेंगे तो वहीं से ही उसमें नई फ्लावर बड्स आती रहेंगी और नई शूट्स निकलती रहेंगी। तो हम इसकी कटिंग लेते हैं, और कटिंग किस तरह से आपको लेनी है, जो ये लीफ नोड होता है जहाँ से पत्तियाँ निकल रही होती हैं, इसको बचाते हुए आपको कटिंग लेनी है, क्योंकि यहीं से ही रूट्स निकलेंगी और यहीं से ही आपके पौधा डेवलप होगा। तो हम इसकी कटिंग लेंगे और लीफ नोड को बचाते हुए ही आपको इसकी कटिंग लेनी है। ये काम आपको सभी कटिंग में करना है। जब भी आप कोई भी कटिंग ग्रो करें तो उसका लीफ नोड हमेशा बचाते हुए ही कटिंग लेके आएं, क्योंकि लीफ नोड से ही रूट्स बनती हैं हर पौधे में। तो थोड़ा पीछे से हम इसको कट कर लेते हैं। तो जो लीफ नोड है जहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं वो एरिया सेफ रहेगा, और जब हम इसको ग्रो करेंगे तो यहीं से ही रूट्स निकलेंगी। तो देखिए कितनी छोटी हमने कटिंग ली है, इसमें लगभग 2 से 3 लीफ नोड ही है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो इस तरह से आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और अब हम इस पर से ये लीफ हटा देते हैं, इस तरह से जो एक्स्ट्रा लीव्स होती हैं आप उनको हटा दीजिए, और लीफ नोड बिल्कुल सेफ हो चुका है। और देखिए ये हमने एक कटिंग ग्रो की थी और ये बहुत अच्छे से ग्रो हुई है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, और देखिए बिल्कुल ग्रीन है अभी तक ये, लगभग इसको 5 से 6 दिन हो चुके हैं। तो देख ही सकते हैं आप बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर रही है, और हमने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ही एक पॉट में लगा दिया था और जिसमें से ये ग्रोथ स्टार्ट कर दी इसने, ना ही कोई रूटिंग हार्मोन लगाया और ना ही हमने इसमें कुछ भी ऐड किया। तो देखिए इस तरह से ये आप जो कटिंग लेकर आए हैं, छोटी से छोटी कटिंग आप इस तरह से लगा सकते हैं। इसको मिट्टी में दबाना होता है, जो इसका लीफ नोड जो होता है, जो नोड एरिया होता है, उसको मिट्टी में दबा दीजिए और वहीं से ही इसमें रूट्स निकल कर आएंगी और आपका पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसको दबा दीजिए, और इसमें नमी आप बनाकर रखिए, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और बस हल्का सा इसमें आपको नमी रखनी है, बहुत हल्की सी, जैसे कि आप दूसरे पौधों में इसमें वाटरिंग करते हैं, तो इसको भी साथ साथ हल्का हल्का पानी मिल जाएगा। तो बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ करती हैं, अपराजिता की कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर देती है, 5 से 6 दिन के अंदर इसमें बहुत छोटी सी रूट्स बनकर तैयार हो जाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा लीफ है ये भी हटा देते हैं हम। तो इस तरह से आप कटिंग लगाइए, और जो ये हमारी फर्स्ट वाली कटिंग है जो हमने लगभग 5 से 7 दिन पहले ग्रो की थी, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है। वैसे हमारे पास अपराजिता के काफ़ी पौधे हैं, अगर इस प्लांट को हम आपको निकाल के दिखाते हैं और इसे कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अपराजिता के बहुत सारे पौधे हैं।
तो ये केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने इसको ग्रो किया था और काफ़ी अच्छे से ये बनी हुई है, ग्रीन बनी हुई है। अब देखते हैं इसमें रूट्स आई हैं या नहीं। बहुत आराम से निकालें क्योंकि निकालते समय इसकी रूट डिस्टर्ब हो सकती है। तो देखिए इस पौधे में जो ये कटिंग हमने ग्रो की थी, रूट्स बनने लगी हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 5 से 7 दिन के अंदर इसमें देख ही सकते हैं आप, इसकी 2 रूट्स बन चुकी हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो इस तरह से आप ज़रूर ग्रो कीजिए अपराजिता की कटिंग, और बिना सीड के आप जल्दी से जल्दी इसका रिज़ल्ट पा सकते हैं। और कटिंग से ग्रो किए हुए जो पौधा होता है उस पर जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग भी होने लगती है, क्योंकि सीड से ग्रो होने में थोड़े दिन तो लग ही जाते हैं पौधे को, और कटिंग से आप ग्रो करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और इतने सुंदर फूलों को आप अपने गार्डन में बना के रखिए। ये एक और पौधा है जिस पर देखिए फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग है। इस पर एक वीडियो और लाएंगे हम, तो उसमें एक नया टॉपिक हम आपको बताएंगे, इसके बारे में नई जानकारी देंगे। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी से ही आपको नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये इस तरह से हमने पुराने फूलों को तोड़ा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।